हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं नवरत्न खुरमा, जिसमें हमने नौ रत्न डाला है, मतलब हमने यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स डाले हैं और ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तब आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो नवरत्न खुरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने वेजिटेबल में लिया है कैप्सिकम, ग्रीन बीन्स, थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा कटा हुआ गाजर। अब हम लेंगे ग्रीन मटर, फूल गोभी और कटा हुआ प्याज। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में हम लेंगे काजू और किशमिश, थोड़ा सा कटा हुआ पनीर लेंगे, थोड़ा सा खड़े मसाला भी यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर हमने तेजपत्ता, दालचीनी, थोड़ा सा लौंग, इलायची और जीरा लिया है। तो सबसे पहले हमने पानी को गर्म कर लिया है। पानी में हम 10 से 12 काजू को डाल देंगे। अब यहाँ पर एक बड़े साइज के कटा हुआ प्याज को हमने डाल दिया है। अच्छे से इसको हम बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गया है और हमारा प्याज भी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसको पानी से निकाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जब प्याज हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब उसका एक पेस्ट हम बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट हमने बना लिया है। अब फिर से पानी को गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें हम वेजिटेबल को डालेंगे और बॉईल कर लेंगे। तो सबसे पहले आलू को मैंने डाल दिया है। अब इसमें गाजर डाल देंगे और ग्रीन बीन्स डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए सारे सब्जी को बॉईल करेंगे। तो आलू और गाजर थोड़ा सा बॉईल हो गया है। अब इसमें हम गोभी, कैप्सिकम और ग्रीन मटर को डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको बॉईल होने देंगे। अगर आप चाहे तो वेजिटेबल को आप बॉईल भी ना करके आप इसको तेल में फ्राई करके भी कुरमा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है, इसके लिए इसको मैंने बॉईल किया है। तो वेजिटेबल हमारा बॉईल हो गया है, अब इसको निकाल देंगे पानी से। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल को डालेंगे। अब इसमें काजू किशमिश डाल देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसको। हम सेम कढ़ाई में पनीर को भी डाल देंगे और पनीर को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पनीर फ्राई हो गया है, अब इसको तेल से निकाल देंगे और सेम कढ़ाई में हम खड़े मसाले को डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही मसाला फ्राई हो जाता है उसमें हम प्याज और काजू का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, जब तक काजू अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर कटा हुआ ग्रीन चिली हम डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सारी चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को अच्छे से बॉईल होने देते हैं। जैसे ही मसाला बॉईल हो जाता है इसमें हम डालेंगे सारी वेजिटेबल्स। अब इसको मिला लेंगे। अब इसमें फ्राई किया हुआ पनीर को डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके हम लो फ्लेम में इसको 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 15 मिनट के बाद हम कवर को निकालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे। अब इसमें फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको कवर करके फिर से हम 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। दो मिनट के बाद कवर को निकालेंगे। ये देखिए हमारा नवरत्न खुरमा तैयार हो गया है। आप इसको नान के साथ या फिर रोटी के साथ खाइए। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।